लगातार पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। मध्य प्रदेश में नतीजों के 8वें दिन सीएम पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सस्पेंस खत्म हुआ तो सभी चौंक गए। 8 दिन तक सीएम पद को लेकर तमाम कयासों को विराम देते हुए विधायक दल की बैठक के बाद ये तय हुआ कि सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों में होगी, जबकि मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम होंगे। एमपी में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो वहीं सीनियर लीडर नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मोहन यादव शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं और वो संघ के बेहद करीबी भी हैं। मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जता दी। खास बात यह है कि सीएम पद की रेस में मोहन यादव का नाम कहीं भी सामने नहीं आया था, लेकिन जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो सभी चौंक गए। मोहन यादव के नाम का सीएम पद के लिए ऐलान होने के बाद शिवराज राजभवन गए और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल ने शिवराज का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो मध्य प्रदेश में अब मोहन को कमान, शिव को विश्राम। और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं, और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं, हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहन यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, लेकिन हकीकत में मोदी के मन में क्या चल रहा होता है ये सिर्फ मोदी जान सकते हैं। मन की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके मन के भीतर क्या है ये आज सभी ने देख लिया, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि शिवराज के हाथों में एक बार फिर सूबे की कमान होगी और लगभग यही हर कोई मानकर चल रहा था, लेकिन एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई कि इस बार मध्य प्रदेश की कमान शिव की जगह मोहन के हाथों में होगी। तो मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। ऐलान के बाद इस दौरान काफी उत्साहित नजर आए मोहन यादव, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो इस दौरान हमने आपको सुनवाया। मोहन यादव प्रदेश के नए सीएम होंगे। वो उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं और राज्य की पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री भी थे। मोहन यादव के अलावा जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला उप मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होंगे। मोहन यादव ने राजनीति की शुरुआत 1982 में उज्जैन के माधव साइंस कॉलेज से की थी। वहां वो सह सचिव और अध्यक्ष बने। कॉलेज टाइम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से वो जुड़े। इसके अलावा मोहन यादव करीब 30 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। 1993 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी, और इसके अलावा वो 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के भोपाल में अध्यक्ष भी रहे। इस पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। 2013 में वो विधायक बने, 2018 में वो फिर जीते, 2020 में जब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी तो वो सरकार में मंत्री भी बने। उच्च शिक्षा विभाग इन्हें मिला। एक बार
और अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार के चुनावों में उज्जैन दक्षिण से जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। और जैसा कि अभी मोहन यादव ने कहा कि मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी कि बीजेपी एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देगी, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, जो दायित्व मुझे सौंपा गया है, उस दायित्व को मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और ये आप लोगों का भरोसा है कि मुझे इस पद तक पहुंचा दिया। मैं खुद को इस लायक नहीं समझता, लेकिन आप सभी का साथ और मार्गदर्शन रहा तो पूरा प्रयास करूंगा। तो पक्ष विपक्ष में इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता संजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत संजीत जी। और आज हमारे साथ इस डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक कुमार श्रीकांत भी होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई प्रदीप जी आपको। प्रदीप जी, अभी जिस बात का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे और मैंने कहा भी कि मोदी जी मन की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन मोदी के मन में क्या है ये कोई नहीं जान सकता, ये तो वो ही जाने। क्योंकि जब सीएम के नाम की घोषणा हुई, उससे थोड़ी देर पहले भी हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि मामा के हाथों में एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान होगी। लेकिन देखिए, मोहन को कमान दी है इस बार और शिव को विश्राम दे दिया गया है फिलहाल। जी देखिए, ये यही एक छोटी छोटी बातें हैं जो कि देश के जनता के विश्वास को बढ़ाती हैं कि जो हमारा नेतृत्व है वो इतना छिछला, इतना हल्का नहीं है कि कुछ भी खुल जाएगा। आज तो ये व्यक्तिगत पार्टी की बात है, लेकिन देश हित, राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि है। तो उन उतने संवेदनशील मुद्दों को दबा के रखना या किसी छोटी प्रसिद्धि के लिए खोल देना कोई समझदारी की बात नहीं होती। तो राजनीति इसे ही कहते हैं, जहाँ पे कि असंख्य जनता का लाभ हो, जहाँ पे कि भारत भूमि का श्री में वृद्धि हो, जहाँ पे कि जम्मू द्वीप भारत भूमि है उसका हमेशा विकास हो और अनिष्ट से दूर रहे, ऐसे कृत्यों के लिए जो है ये छोटी छोटी तो बातें चलती रहती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और परमादरणीय मोदी जी की तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम क्या क्या गिनाएंगे, कार्यक्रम का समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनकी अच्छी बातें समाप्त ना होंगी। ठीक है संजीत जी, हमेशा कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। माना जा रहा था कि एक बार शिव के हाथों में फिर से मध्य प्रदेश की कमान होगी, लेकिन बीजेपी पुरानों से ज्यादा नए लोगों पर भरोसा कर रही है, या ये कहा जाए कि एक नया प्रयोग कर रही है। संजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्ते संजीत जी। बधाई नहीं देंगे प्रदीप जी को? निश्चित रूप से बधाई देंगे, लेकिन बधाई तो शायद ये लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आज जिस व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो एक शिवराज जी के जो व्यक्तित्व को बर्बाद करने और खत्म करने का जो योजना उन्होंने पूरे भारतवर्ष में किया था, शायद उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरा कर दिया है। शिवराज सिंह जी जो 163 सीट लेकर जिसके चेहरे पर और जो तमाम योजनाओं को लेकर के आए थे, शायद आज जिम्मेदारी बनती थी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का कि वो शिवराज जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाते। लेकिन स्थिति ये है कि जिस नेतृत्व को उन्होंने बनाया, जिस नेतृत्व में ये जीत दिलवाई उनको, आज उनको वो सीएम पद नहीं दे पाए। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस प्रकार अंतर्कलह से जूझ रही है बीजेपी। लेकिन संजीत जी, ये भी तो हो सकता है ना, देखिए क्योंकि शिवराज तो कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनको अच्छा अनुभव भी रहा, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, हो सकता है कि उनको केंद्र में भेज दें। जी बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो शायद तीन बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शायद गुजरात के बने थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो शायद नरेंद्र मोदी जी अपने सामने शिवराज सिंह ऐसे कद्दावर नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं चाहते हैं। वो तो जी हाँ बोलने वाले लोग चाहते हैं, जैसे नड्डा जी को उन्होंने रखा हुआ है, नड्डा जी को जो आदेश करते हैं वो काम करते हैं। तो आज तो मैं समझता हूँ एक कद्दावर नेतृत्व, मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी, लेकिन तो लीडर ऐसा ही होना चाहिए ना। लीडर किसको कहते हैं? लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो सबसे काम करा ले, तभी तो देखिए ना कि
कि 5 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, लेकिन प्रदीप जी इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना नहीं बोलता है जी, ये काम कराना नहीं बोलते, इसी को डिक्टेटरशिप बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं। ठीक है, जो काम कराने का मतलब तानाशाही है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ कि जिस व्यक्तित्व के माध्यम से ये लोकतंत्र के अंदर भिजा मिली आज उसको हटा करके उन्होंने अपने ठीक है संजय जी, संजय जी मुझे जवाब लेने दीजिए। मध्य प्रदेश या निश्चित रूप से लोकतंत्र का अपमान है ये। ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए जी। जी देखिए, आखिरी शब्द इन्होंने कहा लोकतंत्र का अपमान है। 20 वर्षों तक इनका एक ही पार्टी में अध्यक्ष बना रहा, एक ही परिवार से आता है, अब थोड़े दिन के लिए कोई और हो गया, इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कोई टिप्पणी करने का। वैसे मैं क्षमा चाहूंगा, कुमार श्रीकांत जी को मैं प्रणाम करता हूँ और वो कार्यक्रम में है, पहले मैं प्रणाम करता हूँ, काफी दिनों बाद दर्शन हुए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए, फिर मैं आता हूँ वापस अपने चर्चा पे। देखिए कांग्रेस का क्या है ऋषु जी, कि चरित्र ऐसा है कि 400-500 करोड़ तो उनके लिए हाथ खिला दें। संजय जी सुन लीजिए ना, आपने अपनी बातें पूरी कर ली हैं, कंप्लीट हो गई हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए, और आज तो दिन है, बनता भी है। मैंने तो बधाई दिया, लेकिन अब ये क्या है, पहले बधाई दे दी और फिर नाराजगी जाहिर कर लो। ऋषु जी, इनकी बधाई का मैं सम्मान करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। ये भी हमारे देश के वासी हैं, हम कांग्रेसी विचारधारा के लोग नहीं है, सभी भारतवासी भाई हैं। तो अब इनका जो है, जो इनके अंदर जो कुंठा है वो निकलने दीजिए। हमारी खुशी में अगर इनकी कुंठा बह जाती है तो हम अपना धन्य समझेंगे कि किसी के अंदर की, किसी की मानसिकता की कुंठा निकल गई। वो देखिए, पूरा वो केवल संजीव जी का नहीं, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी की यही दशा है। और आने वाले 4 महीनों बाद जब दोबारा हम चुनाव में जाएंगे तो जनता इस बात को नोटिस करेगी, इस बात को नोट करेगी। हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी एक पार्टी लाइन होती है, हमारा एक कार्डर है, हमारी एक कार्य करने की शैली है। अगर इनको यही नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये कांग्रेस को उनकी राजनीति मुबारक। कांग्रेस जो एक धुर्क पकड़ के चुपचाप चलती आई है, उसी का 55 वर्षों तक इनका शासन रहा है, और अगर उसको ये नहीं बचा पा रहा है और अब तक कहीं इनका जो है नाम नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे यही सब छोटे छोटे कारण है। जनता देखती है और फिर उसके बाद अपना मत बनाती है। क्या नेतृत्व है, क्या हमारा नेतृत्व है, संपूर्ण है, संभ्रांत और सक्षम है, तो हमारे नेतृत्व ने उस प्रकार के रिजल्ट दिए। हमने समाज के हर व्यक्ति को, बीच में मत बोलिए। अरे संजीव जी, ठीक है ना, उनको बोलने दीजिए, अब उनका मौका है कम से कम। आपने 5 राज्यों में 2 जगह जहां आपकी सत्ता थी वो राज्य तो खो ही दिए। कर्नाटक में भी देखिए सुबह से क्या खबरें चल रही हैं, जरा वहाँ पर भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा वहाँ पर भी ध्यान दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि दूसरे की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करना कांग्रेस ने जितना इस देश में किया है, ठीक है, और खाने तो प्रदीप जी मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि हमें एक ब्रेक पर भी जाना है, इसलिए कुमार श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी थोड़ा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुमार श्रीकांत, शिव की नगरी उज्जैन दक्षिण से विधायक रहे मोहन यादव अब पूरे प्रदेश की कमान संभालेंगे, और जिस बात का जिक्र मैं अभी कर रही थी प्रदीप जी से भी कि मोदी के मन में क्या है ये कोई जानता ही नहीं है। जिनका नाम रेस में चल रहा था, ना वो सीएम बने ना डिप्टी सीएम बने। जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है, जिस तरीके से मामा शिवराज सिंह चौहान को एक तरीके से आराम दिया है और चेहरे को इसी चेहरा लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि नाम लाया गया है कि वो यादव, और मुझे लगता है बीजेपी ने बुनियादी और जो जातिकरण बीजेपी ने अदा है हिंदी क्षेत्र के कला को महज महीने पहले ही मत बनाया गया, तो वो क्षेत्र है जो महज उत्तर प्रदेश में किया और हिंदी क्षेत्र में तकरीबन 36% प्रांतों का वो कुछ है। और प्रदेश के लोग चुनाव के मद्देनजर या फिर वो का क्षेत्र यूपी में भी पड़ता है उसको साधने की कोशिश की जा रही है, तो जाति और ये वोट बैंक के लिए आप देखते जिस तरीके से जातिगत वितरण और गणना की बात जा रही है, मुझे लगता है वो साधने की कोशिश कर रही है और जातिगत जनगणना तरीके से आप गाँव में आप के अभी आसपास की चेहरे को बनाते हैं सीएम के साथ एक और एक रांची का व्यक्ति बनाते हैं, और मुझे लगता है कि जो जमीन कुमार के चेहरे हैं जिनकी राजनीति बहुत हो चुकी है उनको अलग तरीके से उपयोग करने की कोशिश
पार्टी कर रही है और नेता जो सेंटर में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, में रहे हैं, उनको भी क्या दी जाएगी, बन रहे हैं तो, और क्या। और कुमार श्रीकांत, जिस बात को लेकर हम यहाँ पहले चर्चा कर रहे थे, विधायक दल की बैठक में जब डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया तो मंच पर वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और शिवराज सिंह ने भी बड़े ही आत्मीयता के साथ उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। मोहन यादव मध्य प्रदेश में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है और उनके नाम की घोषणा संभवतः 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए की गई हो, क्या ऐसा भी संभव है? जी, मुझे लगता है ऐसा, सही कह रही हैं आप। देखिए, ओबीसी चेहरे पे मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद मामू शिवराज भी बीजेपी के सबसे दूसरे नंबर के ओबीसी चेहरा है। उसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज का जो पद है वो बहुत बड़ा है और क्या बीजेपी अब को अलग तरीके से करती है, क्या बीजेपी उनको लड़वाएगी कमलनाथ नकुलनाथ के सामने, क्या एक सीट जो मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीत पाई क्या बीजेपी उसको जिताने के लिए शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल करेगी? और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2029 में भी बीजेपी को विजय करना है और बीजेपी को लाना है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान की इस वक्त स्थिति क्या है और किस तरीके से बीजेपी से उन्हें इस्तेमाल करेगी? देखिए, मुझे लगता है 2024 के चुनाव के मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो ओबीसी कार्ड है, जो जातिगत जनगणना का कार्ड है, उसे बीजेपी ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि पुराने चेहरों को छोड़कर नए चेहरों को एक तरीके से कमान देना चाहे राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्या जिस तरीके से रानी नाराज है और रानी लगातार आकर दिल्ली जा भी चुकी हैं और आज खबर ये आ रही थी कि कुछ विधायकों को रानी ने अपने पास बुलाया भी है, तो क्या रानी को हटा पाने की या रानी को साइडलाइन करने की और दो डिप्टी सीएम वाली ये जो तकनीक बीजेपी अपना रही है, क्या इसका इस्तेमाल वो राजस्थान में भी करेगी? ठीक है, राजस्थान को लेकर मैं चर्चा करूंगी आपसे, लेकिन संजीत कुमार, आप लोग ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात करते रहे, बीजेपी ने तो पूरा प्रदेश सौंप दिया ओबीसी एमएलए को। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ पहले कि आज शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री न बनने का मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर वे सभी कार्यकर्ता जिनके पास थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश इकाई के अंदर आज उनको वहां बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर आपने मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा, जिस व्यक्ति का चेहरा शुरुआत से ही आप नहीं चाहते थे शिवराज सिंह को, तो आपने चार चार पांच पांच सांसदों को वहां लड़ाया, आपने उन तमाम चीजों आपने कसम खा ली है कि प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा लीडरशिप जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे उस लीडरशिप को नहीं पनपने देना है, उसको बर्बाद करना है। तो आपने दिल्ली बर्बाद कर दिया, दिल्ली में बताइए दिल्ली स्टेट के अंदर कोई लीडर नहीं है, आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर केवल योगी बाबा इनको खटक रहे, किसी दिन वो भी हटाए जा सकते हैं। आज स्थिति ये है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दो नाम और इस दो नाम के सामने जो कोई आएगा वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है कुमार श्रीकांत, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन पहले सवाल प्रदीप जी से, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ संजीत कुमार, प्रदीप जी उसका तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी कि शिवराज की मेहनत और उनकी स्वीकार्यता को आप कैसे सहेजेंगे? हालांकि बीजेपी में विकल्प की कमी नहीं है, नरेंद्र को वापस कर शिवराज को केंद्र में लाएंगे क्या? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे थे, इसको कहते हैं दंगा भड़काने वाली नीति। ये लोग बहुत पहले से दंगा भड़काने वाले निपुण रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वही दाव हमारे ऊपर भी चल जाएगा। तो मैं बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहूंगा, गुरु गलत दरवाजे पे आप खटखटा रहे हैं, ये सब यहाँ नहीं चलता, और कांग्रेस में चलता है वही चलाइए। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, सबसे पहले तो हम इसी के लिए जाने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और जहां तक रही इस तरह की बातें तो वो पार्टी की एक कमेटी है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक प्रॉपर सिस्टम है हमारे यहाँ पे जो कि इस प्रकार के निर्णय लेता है किसको कहाँ फिट करना है, किसको क्या करना है, किसकी कैसी उपयोगिता है। अल्टीमेटली हर नेता हर पदाधिकारी वो पार्टी का कार्यकर्ता ही है, और चुनाव से पहले नहीं चुनाव के बाद भी वो पदाधिकारी ही रहता है, कार्यकर्ता ही रहता है। तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि हम परिवारवादी क्षेत्रवादी जातिवादी या भाषावादी पार्टी थोड़ी है,
कि आप चलेंगे। अब संपूर्ण देश जब स्वीकारता बढ़ती जा रही है तो इनका रुदल करना ये स्वाभाविक है, मैं उस पर बुरा नहीं मानता। जहां तक ये बात उत्तर प्रदेश, मैं तो ये असंभित हूँ कि आदरणीय कांग्रेस के नेता है या गड़ी चलने वाले जो तोता उठा करके भविष्यवाणी करता है वो गुटखा व्यवसाय है। तो राजनेता की भविष्यवाणी करने वालों की भी नहीं चली ना, जो भविष्यवाणी कर रहे थे उनकी भी नहीं चली इस बार। तो फिलहाल तो चलिए मोदी जी की यहाँ पर चल रही है, ठीक है। लेकिन कुमार श्रीकांत, एमपी में बीजेपी के विजय में मामा की व्यक्तिगत मेहनत और उनकी नीतियों का काफी योगदान है, बीजेपी अपने निर्णय को कैसे जस्टिफाई करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, उनको थोड़ा सीखना चाहिए बीजेपी किस तरीके से सेकंड लाइन के नेताओं को तैयार कर रही है, अगली पीढ़ी के नेताओं को किस तरीके से सत्ता की कमान दे रही है। और मुझे लगता है कि युवा नेताओं को तैयार करना या एक नई पौध को तैयार करना, सत्ता की चाबी उनके हाथ में देखना और एक देने के बाद ये देखना कि किस तरीके से सत्ता का संचालन करते हैं, मुझे लगता है इससे राजनीति और तमाम राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए। और अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्या अरे संजीत जी, आप तो सुनते नहीं है, चिल्लाते बहुत हैं, धैर्य के साथ सुन भी लिया कीजिए ना, सुनने में कौन सी बुराई है, कुछ राहुल से ही सीख लीजिए, वो तो हमेशा मोहब्बत प्यार की बातें करते रहते हैं, आप भी सीखिए उनसे कुछ, आपके नेता हैं इतने वरिष्ठ। जी कुमार श्रीकांत, अरे ठीक है ना सर, सुन लीजिए, इतनी देर से आप बोल रहे हैं ना, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप ये देखिए कि वो लोग आपको सुनते हैं, लेकिन जब ये लोग बोलते हैं आप तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, आपको मौका मिलता है ना अपनी बात रखने का, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप भी। जी मुझे लगता है कि जो ठीक है, मुझे लगता है कि इससे समझना चाहिए कि सत्ता निरंतर किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने, आपने, मैंने और तमाम लोगों ने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कौन बन सकता है। मानिए वो 13,000 से ज्यादा वोटों से जीता हुआ विधायक जिनका एक विवादास्पद बयान आया था कि जो छात्र जिनका पिछला रिकॉर्ड अपराधी है उनको उच्च शिक्षा में एडमिशन नहीं मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मैं अभी वीडियो देख रहा था, दोनों हाथों से तलवार भाग रहा है, वो मतलब तलवार हिला रहा है और वो तमाम तरह की चीजें कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नए लोगों को जिम्मेदारी देना और ठीक है, एक नया प्रयोग बीजेपी हमेशा करती है। चलते चलते एक और सवाल कुमार श्रीकांत आपसे, क्योंकि एक समय शिवराज सिंह मोदी के प्रतिस्पर्धी थे और उन्हें केंद्र का रास्ता दिखाने पर महत्वाकांक्षा कहीं फिर से तो नहीं जाग जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, मैं इसी पर आने वाला था जी। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ही ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद के लिए अगर आप देखा जाए तो सीएम योगी के बाद बड़े चेहरा थे, क्योंकि ओबीसी नेता भी थे और उनका का वो तीन दशक से माफ कीजिएगा 1.5 दशक से ज्यादा उन्होंने सीएम की कुर्सी को संभाला है। और क्या शिवराज सिंह चौहान ऐसे ही थे जो सेंट्रल कमांड को आंखें दिखा सकते थे? यानी कि वसुंधरा साइडलाइन हो रही है, शिवराज साइडलाइन हो रहे हैं, यानी कि एक छत्र, यानी कि बीजेपी में एक व्यक्तिवाद, यानी कि नरेंद्र मोदी वाला एक व्यक्तिवाद पूजन जो है वो पूर्ण रूप से शुरू हो गया, विरोधी कोई नहीं बचा है। और ये वो है, सुषमा और आडवाणी का ग्रुप है ये जी, अटल या आडवाणी के ग्रुप के नेता शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को साधे रखा था। तो क्या अब एक व्यक्तिवाद जिसे कहते हैं, जिसको पूजन बीजेपी में आजकल शोर मच रहा है, तो क्या इतने प्रबल होंगे शिवराज सिंह चौहान को साइड करना? और क्या रक्षा मंत्री से नीचे की पोस्ट अगर आप उनको देते हैं तो क्या होगा? और फिर राजनाथ सिंह को कहां आप एडजस्ट करेंगे? तो बड़ी मुश्किल है। ये तो समय की बात है और आने वाले समय में हमें सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा कि किसको कहां बिठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए, पक्ष विपक्ष में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।